भाई टाइगर 3 से बहुत सारे लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये मतलब नहीं हो पाएगा, जो ट्रेन है वो पटरी से एक बार उतर गया तो उतर गया, पर भाई यहाँ पे वापस अपने पटरी में आए हैं। और इसमें आपको जो VFX है ना भाई, बहुत ही खतरनाक तगड़ा VFX देखने को मिला है। मतलब जितने भी स्पाई यूनिवर्स के मूवीज थे उसमें से वन ऑफ द बेस्ट निकल के ये आया है। तो अब देखने की बात ये है कि भाई इसको कितना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। और भाई मैं पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि शाहरुख खान को भाई इसमें 5 मिनट के लिए दिखाया, 5 से 7 मिनट, और ऋतिक रोशन का कैमियो, भाई क्या कर रहे हो यार। मतलब कम से कम एक एक घंटे का अगर शाहरुख खान या ऋतिक रोशन किसी को भी देते ना यार, मिनिमम दोनों में से कोई एक एक्टर को 1 घंटे का मिलना चाहिए था, और डिजर्व करते थे मेरे ख्याल से। शाहरुख खान को पक्का आना चाहिए था सलमान खान के साथ, और 1 घंटे की पिक्चर में तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस होना ही चाहिए था, तब जाके भाई मूवी लगता है कि भाई ये होता है कुछ। अगर आपने भाई मार्वल के बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, मार्वल से भाई बहुत बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मतलब इंस्पायर हूँ यार। मतलब बहुत सही लगता है उनका एक चीज़ कि जब वो जैसे एंट मैन या कोई भी मूवी बनाते हैं ना, अगर उसमें कोई ऐसे कैरेक्टर लाते हैं, जैसे आपने अगर देखा होगा स्पाइडर मैन, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके आ रहे हैं, तो भी कोई ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड लाए और ख़त्म करके चले गए, या 5 मिनट लाए ख़त्म करके चले गए। वो पूरा का पूरा जो मूवी होता है, या मतलब मिडल ऑफ द मूवी, वहाँ से वो पूरा उसको सपोर्ट करते हैं। तो लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा या पूरे के पूरे मूवी में उनका स्क्रीन प्रेजेंस होता ही है। तो ये लोग इस चीज़ को भाई मिस करता है बॉलीवुड। अगर इस चीज़ को वो पकड़ लेते इस मूवी में, तो भाई और ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा इसको पसंद करते लोग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो भाई इसमें कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा, मेरे ख्याल से पता क्या होना चाहिए था, शाहरुख खान तो अपना काम कर रहे थे, और उसमें जब सलमान खान आके शाहरुख खान को लेके जाते हैं, और उसके बाद जब सलमान खान थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, पहले आधे घंटे उनका स्ट्रगल दिखाना चाहिए था, उसके बाद मेरे ख्याल से शाहरुख खान को आधे घंटे या 1 घंटे के बाद ही पिक्चर में ला सकते थे, और फिर दोनों का भाई हाथ खराब हो रहा है, और बड़े मुश्किल से जाके वो विलन को हराते हैं। तो इस टाइप का अगर कुछ होता, मेरे को पता है ये लोग पक्का कुछ ना कुछ ट्रिलॉजी वाला कुछ मूवी वैसे प्लान कर रहे होंगे, जिसमें तीनों ही स्टार्स एक साथ आ जाएं, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान, और भाई वो एक ऐसा ट्रिलॉजी वाला मूवी बना के आपको दिखाएं या शो करें। पर भाई मैं अलग चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो एक अलग चीज़ है भाई, लेकिन ये एक अलग चीज़ है भाई। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा उम्मीद था कि शाहरुख खान अगर आ रहे हैं तो भाई 5-7 मिनट तो नहीं देंगे, उससे ज़्यादा देंगे, पर वहीं पे मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो यार देखो, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, और भाई आप लोग मेरे ख्याल से मेरे इस थॉट से बहुत सारे लोग मतलब डिफर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो फर्स्ट डे में इसने जो कमाए हैं 44.6 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो सलमान खान के जितने भी मूवीज़ हैं उसमें भाई नंबर वन पे पहले भारत था, जिसने 42 करोड़ कमाए थे। नंबर टू पे था प्रेम रतन धन पायो, जिसने 40 करोड़ कमाए थे, और भाई ये अब नंबर वन पे आ चुका है, तो वो नंबर टू नंबर थ्री पे चले जा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसने जो कमाए हैं 44.5 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं, पर इसका अब जो टक्कर हो रहा है ना, वो हो रहा है पठान के साथ। पठान तो भाई ठीक है, पठान का भी इसके पास ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, पर जो जवान आया था उसने अपने डे टू में खतरनाक कलेक्शन किया था। तो अब देखना पड़ेगा कि पहले 3 दिन में क्या ये 100 करोड़ को हिट कर पाएंगे या नहीं। अब ये बहुत बड़ा एक बात हो गया, बिकॉज इसमें शाहरुख खान तो है ही, सलमान खान तो है ही, और सलमान खान का भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट तो मैं तो नहीं मानता, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस या लाइफ बेस्ट बोल रहे हैं, या नंबर टू वाला नंबर थ्री वाला। मेरे ख्याल से और भी कुछ मूवीज़ हैं जो इनके इससे ज़्यादा बेटर हैं। पर देखो इसमें मेरे को ना एक और चीज़ मेरे को समझ नहीं आया, जो कि बहुत सारे लोग सही भी बोल रहे हैं कि इसमें जो एक्शन सीन है ना, उसमें जो सलमान खान है वो भाई गन लेके खड़े होते हैं, और बहुत सारे सीन्स में उनका एक्सप्रेशन है, और बहुत सारे सीन्स में उनका एक्सप्रेशन नहीं भी है। तो मेरे ख्याल से एक एक छोटे छोटे अगर चीज़ को अगर आप ऐसे पॉइंट आउट करके देखोगे, तब जाके एक परफेक्ट मूवी बनता है। और वहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, ये मूवी हल्का सा उस जगह पे डाउन होता है, पर पूरा फुल टू एक्शन है, फुल टू धमाल है, स्टोरी भी खतरनाक है, सब कुछ ठीक है। फिर भी अब देखो अगर थिएटर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 47% का थिएटर ऑक्यूपेंसी है, और मेरे ख्याल से ये कुछ एरियाज़ में था शायद थोड़ा कम इसको ऑडियंस देखने जा रही है, और जबकि मूवी इतना ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है, स्टोरी अच्छा निकल के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये भाई अपना जितना भी उसका 300 करोड़ का जो उसका लगाया था इन्होंने मूवी के ऊपर, 300 करोड़ तो ईजिली निकल जाएगा, और ये भाई हिट तो होगा, फ्लॉप नहीं होने वाला, हिट या सुपर हिट ही होने वाला। तो आपके क्या थॉट्स है कमेंट में ज़रूर बताना, आपने अगर मूवी देख लिया तो कमेंट में बताओ कि भाई लोगों को बताओ कैसा लग रहा है आपको, और अगर नहीं देखा तो देख सकते हो यार, मतलब फ्री टाइम है, देख लो जाके यार, मतलब अच्छा मूवी आया है। तो वीडियो के पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, और सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ कर दो यार।